हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, बहुत दिनों से कई लोगों की यह रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंडियन रेलवेज में उनके कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि इंडियन रेलवेज में अपने कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे स्टाफ जिन्हें कि कंटिन्यूअस श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ड्राइवर, टीसी, टीटी। इनकी ड्यूटी प्रतिदिन 8 घंटे की होती है और सातवें दिन 24 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। फिर है कुछ ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है और उसके बाद उन्हें सप्ताह में 2 दिन का रेस्ट मिलता है। इस तरह के स्टाफ को एसेंशियल इंटरमिटेंट स्टाफ बोला जाता है, जैसे कि गेट कीपर, चौकीदार आदि। तीसरे प्रकार के स्टाफ को इंटेंसिव ग्रुप में रखा जाता है, जिनकी ड्यूटी 6 घंटे की होती है, जो कि बड़े सतर्क होकर करना पड़ता है। ये ट्रेन परिचालन के नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। इन्हें भी साप्ताहिक रेस्ट दिया जाता है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर, कोचिंग कंट्रोलर। अगला है एक्सक्लूडेड श्रेणी के स्टाफ, जिनका शेड्यूल रेस्ट निश्चित नहीं होता है और न ही इनकी रोस्टर ड्यूटी होती है। इन्हें 24 घंटे काम की जिम्मेदारी होती है और जब भी रेलवे को काम की जरूरत होती है तो इन्हें समय पर उपस्थित होकर उसे निपटाने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट साइट, ब्रेकडाउन साइट आदि। इस प्रकार की ड्यूटी के लिए सभी विभागों से स्टाफ को नॉमिनेट किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अलावे रेलवे कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। तो रेलवे कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में 3% का वेतन वृद्धि मिलता है। साल में 2 बार पहली जनवरी और पहली जुलाई को महंगाई भत्ता मिलता है। फिर है प्रत्येक 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है, जो कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्ष कर वेतन बढ़ोतरी करता है। अगला है रात्रि में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है और यदि कोई भी कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर ज्यादा दूर ड्यूटी करने जाते हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता भी मिलता है। अगला है यदि कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उस समय दुर्घटना स्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को यात्रा भत्ता के साथ साथ डाइट अलाउंस भी मिलता है। फिर है कि यदि अपने कार्यकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाती है और उसकी पत्नी को पेंशन मिलता है। अगला है यदि कुछ समय बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को भी पेंशन मिलता है। अगला है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 साल पूरी नहीं हुई है तो साल में 1 फ्री पास और 4 पीटीओ पास मिलता है, जिसमें 1/3 भाड़ा देना होता है। और जिन कर्मचारियों की सेवा 5 साल पूरा हो जाता है तो उन्हें साल में 3 फ्री पास मिलते हैं और 4 पीटीओ मिलता है। अगला है कि कर्मचारियों का बेटा बेटी अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हों तो उन्हें अलग से एजुकेशनल पास दिया जाता है। फिर है कि इलाज के लिए रेलवे का अपना हेल्थ यूनिट और अस्पताल होता है, जिसमें कर्मचारी और उसके आश्रित को निःशुल्क उपचार किया जाता है। अगला है कि यदि कोई स्टाफ ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है तो उसे 3 महीने तक पूरा वेतन मिलता है और साथ साथ उपचार भी किया जाता है, और यदि 3 महीने से ज्यादा उपचार में लगता है तो उसके बाद कर्मचारी का अपना छुट्टी कटता है परंतु वेतन मिलते रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनको साल में कितनी छुट्टियां दी जाती है। तो रेलवे कर्मचारियों को 10 दिन का आकस्मिक छुट्टी मिलती है, जो कि यूज नहीं करने पर लैप्स हो जाता है। फिर है कि साल में इन्हें 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जो कि यूज नहीं करने पर जमा रहता है। फिर है कि इन्हें साल में 10 दिन का सीक लीव मिलता है, जो कि यूज नहीं करने पर जमा रहता है। अगला है कि महिला कर्मचारी को पहले 2 संतान के जन्म होने पर प्रत्येक संतान 8 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाता है और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। अगला है कि वैसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति ग्रुप डी में हुई हो और आजीवन कोई विभागीय प्रमोशन ना मिला हो तो वह अपने सेवा के अंतिम 5 साल के अंदर स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकते हैं और उसके बदले रेलवे उनके एक आश्रित को नौकरी देती है। अगला है कि कर्मचारी के पहले 2 संतान को पढ़ाई के लिए भत्ता मिलता है। यदि कोई दूसरा इशू के समय जुड़वा बच्चे जन्म होते हैं तो पहले बच्चे के साथ साथ दोनों जुड़े बच्चे को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसे दुगना भत्ता मिलता है।
फिर है कि रेलवे कर्मचारी अपने नौकरी के दौरान पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है, परंतु यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह दूसरी शादी करता है तो दूसरी पत्नी से भी पहले दो संतान को चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ यदि पत्नी रेलवे कर्मचारी है तो उन्हें पुनः प्रत्येक बच्चे पर मातृत्व अवकाश और पुरुष को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। अगला है कि इसके अलावे वैसे कर्मचारी जो कि 1/1/2004 ईस्वी के पहले नियुक्त किए गए हैं तो उन्हें आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है और उनके मृत्यु उपरांत के बाद विधवा पत्नी को भी पेंशन मिलेगा। विधवा पत्नी के मृत्यु उपरांत के परिवार को पूर्ण रूप से विकलांग पुत्र या फिर अविवाहित पुत्री को भी या फिर विधवा पुत्री में से किसी एक को भी पेंशन देने का प्रावधान है। फिर है कि ऐसे कर्मचारी जो कि यूनियन के ऑफिस बैरियर होते हैं तो उन्हें रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग हेतु साल में अधिकतम 6 दिन का अवकाश मिलता है, जैसे कि इंफॉर्मेशनल मीटिंग या फिर PNM। अगला है कि ऐसे कर्मचारी जो कि खेल कूद में रुचि रखते हैं और रेलवे के तरफ से खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो प्रत्येक दिन सेकेंड हाफ में ड्यूटी न कराकर खेल का अभ्यास करने की छुट्टी दी जाती है। इनको भी किसी विशेष अवकाश की सुविधा मिलता है जो कि किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अगला है कि किसी कर्मचारी का अपने कार्य स्थल से कहीं दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाता है तो उसके परिवार सहित ट्रांसफर पास मिलता है जिसकी वैलिडिटी 2 महीने की होती है और घर के सामान की ढुलाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। फिर है कि प्रत्येक कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय गंतव्य स्थान तक जाने के लिए फैमिली पास मिलता है जिसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। साथ ही साथ घरेलू सामान को शिफ्ट करने के लिए अलग से भत्ता दिया जाता है। इस तरह से जो जो सुविधाएं आपने जाना और समय समय पर यह सुविधाएं संशोधित होती रहती हैं। उम्मीद करते हैं इंडियन रेलवेज में उनके स्टाफ को दी जाने वाली सुविधाओं की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।